रत्ना, ये मैं क्या सुन रही हूं? क्या हुआ शारदा? तुमने कोर्ट में सब कुछ साफ साफ बताने की ठान ली है? तुम्हें किसने बताया? वकील साहब का फोन आया था। हाँ शारदा, मैंने सच्चाई बयान करने का फैसला किया है। मुझे लगता है जो गलतियां मैंने की हैं उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। देखो रत्ना, सच बोलना अच्छी बात है, तुम्हें सच बोलना चाहिए, लेकिन उस सच का भी क्या फायदा जो बेवजह दूसरों को तकलीफ पहुंचाए? मेरे सच बोलने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी शारदा, क्योंकि जो सच्चाई है वो सिर्फ मेरे साथ जुड़ी हुई है। नहीं, कहीं ना कहीं जाकर ये सच्चाई तुम्हारे बच्चों से भी जुड़ती है रत्ना। तुम बयान दे दोगी, तुम्हें सजा भी मिल जाएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, तुमने प्रायश्चित कर लिया। लेकिन ये सब सोचते हुए तुम एक बात को नजरअंदाज कर दोगी। कौन सी बात? तुम्हें सजा मिल जाएगी, तुम जेल चली जाओगी, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? वो तुम्हें याद कर करके उदास होते रहेंगे, रो रो कर उनका बुरा हाल होगा। रत्ना, तुम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी सजा दोगी। तुम्हें तो अपनी गलतियों की सजा मिल जाएगी, उन्हें किस बात की सजा मिलेगी? बोलो रत्ना, सजा का मतलब इंसान को तकलीफ देना नहीं, उसमें सुधार लाना होता है। सच्चाई बताने की बात करके तुमने इस बात को साबित कर दिया है कि तुम उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहते, तुम सुधर चुकी हो रत्ना। जब तुम्हें खुद अपने गुनाहों का एहसास हो गया है तो जरूरी तो नहीं है कि तुम सजा भी पाओ। मेरी मानो तो तुम वही करो जो वकील साहब कहते हैं, वरना तुम्हारे साथ साथ रोहित और रिया भी सजा भुगतेंगे।